तो भैया आप लोग देख लिया कि लड़की का दिमाग कैसा होता है, ठीक है? इतना मारेंगे तुमको आपकी बेटी इतना बदमाश क्यों है यार? बाप रे दिल तो मेरे पास भी है लेकिन कोई खरीद लिया, अब कौन खरीदा हमें पता नहीं। तो गाइज मैं भी चाहता हूँ कि जुहू बीच घूमने का, लेकिन मेरे पास बोले तो गर्लफ्रेंड नहीं है। हेलो, योर नेम? क्यारा। आई लव यू क्यारा। आई लव यू। तो हेलो गाइज, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग वीडियो। तो गाइज आज का ये ब्लॉग होगा ना, आज का ये ब्लॉग क्या होगा हमें नहीं पता। यू आर कुत्ता, यू आर कमीना, यू आर ब्यूटीफुल। क्योंकि भैया आप लोग हमेशा ब्लॉग में देखते हो बस रिएक्शन रिएक्शन रिएक्शन, भैया हमारे जैसे ब्लॉग बहुत कोई बनाने लगे हैं, इसके चलते हमारा व्यू भी कम होने लगा है, इसके चलते हम लोग सोच रहे हैं अब वीडियो बनाना बंद कर रहे हैं। नो। चलो भैया मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए लव यू ऑल। चलिए आज का प्यार ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। हमारे नहीं, नहीं। तो एंड करते हैं, बाय। भाई यही तो बोल रहा है, आज के बाद हम वीडियो नहीं बनाएंगे, तो बंद करो ना भाई। ओके नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए लव यू बाय। कहाँ जा रहे हो अभी रुको? तो भैया क्या कहना चाहते हैं? तो भाई साहब आज परियों के साथ साथ आज हमारा कुछ प्लान है। चुप, आज हम जा रहे हैं। चुप मत बताओ। आप भैया बताओ। आज हम लोग नहीं जाएंगे कहीं भी, क्योंकि हम लोग जाएंगे वहाँ भी जहाँ पर कोई नहीं जा सकता। कहाँ जाएंगे? जा रहा फिर ने। आप बताओ। भागने जा रहा हूँ, अगर टट्टी आई मेरे को जान दो। तो भैया किसी को ब्लॉग बनाने का मन नहीं कर रहा है, क्यों? क्योंकि भैया ये कंटेंट जो भी अब यूज हो रहा है हम लोग कर रहे हैं, बहुत कोई करने लगा है, बोर हो चुके हैं भैया इन कंटेंट से। भैया करना तो अच्छी बात है, खुद से मेहनत करना, पर ये जो डाउनलोड करके और अपलोड करना वो गलत है। वो तो गलत बात ही है, लेकिन हम लोग बोर हो चुके हैं, इसके चलते देखते हैं भैया क्या होता है। बस बने रहिए आप लोग हमारे साथ ब्लॉग में, लास्ट तक एंजॉय करते रहिए हमारा प्यारा सा ब्लॉग, देखते हैं क्या हो पाता है हमसे, आप लोग कैसे एंटरटेनमेंट कर पाते। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं प्यारा सा ब्लॉग। कुछ दूर चलते हैं, एक लड़की मुझको दिख गई, मोबाइल निकालते ही रिएक्शन चालू कर दिया। तो भैया हम सबका यही काम हो चुका है आजकल, क्या होता है भैया जहाँ भी कोई क्यूटी परी दिखते है सोचते है कि कुछ बात कर ले और रिएक्शन चालू कर दे, लेकिन अगर बात मतलब बात करते हैं और वो मना कर देते फिर वीडियो बनाना बंद। तो आप लोग जितने भी लोग बना रहे हैं हमारे जैसे वीडियो, तो आप लोगों को एक संदेश देना चाहता हूँ। क्या भैया? हमारे जैसे जो लोग भी वीडियो बनाते हैं उसको क्या संदेश देना चाहते हैं आप लोग बताइए। लाइक करो, फॉलो करो, नहीं सपोर्ट करो। नहीं अरे फनी नहीं, कुछ मतलब सीरियस। देखो भाई हम बताएंगे, हटो। अरे हट नल्लो, हम बताते हैं। मैं बताऊंगा यार, मैं जितने भी लोग, अरे भैया सीरियस हो जाओ। देखो भैया जितने भी लोग हम जैसे कंटेंट बना रहे हैं जैसे हम लोग बनाते हैं, लेकिन अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं, जितने भी लोग भाई बंधु बहन जितने भी लोग, सुनो भाई साहब सीरियस, इस पे रिस्क बहुत है, पहली बात ठीक है। हम लोग वीडियो बनाते हैं परमिशन लेते हैं, आपको क्या लगता है ऐसे जाके बोलते हैं परमिशन लेते हैं? तो आप लोग जाके कैमरा उठाते हो ना, इस पे भाई डंडे चलेंगे। सावधान हो जाओ साले इतने। और भाई भाई सबसे जरूरी बात, इस कम्युनिटी को आप लोग खराब मत करो, पता है बहुत अच्छी कम्युनिटी है भाई। और परमिशन लो, और परमिशन लो, परमिशन लेके वीडियो बनाइए, और साथ साथ अश्लील गाना कभी भी यूज मत कीजिए। अश्लील वर्ड, अश्लील वर्ड, ओके। बहुत लोग देखते हैं अश्लील वर्ड भी यूज करते हैं, गाना भी यूज करते हैं, इसके चलते थोड़ा तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए और आगे बढ़िए भाई, मेहनत कीजिए और सफलता जरूर मिलेगी, ठीक है? तो चलिए भैया यही कहना चाहते थे आप लोगों को, तो आज के इस ब्लॉग को ये एडिट करते हैं। चलो जय जय भारत। चलो भैया आज का प्यारा सा ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। सो फाइनली गाइस पहुंच गए हम कांदी वाली, क्या है कांदी वाली? लोकल स्टेशन। तो हरे दिल के बतिया मनवा जा ले ले।
भैया कांदी वाली लोकल स्टेशन है, चलो भाई चलते हैं, बने आप लोग हमारे साथ एंजॉय करते रहिए, देखते हैं क्या होता है। हम लोग विचार नहीं किए कि कहाँ पे जाना है। सो गाइस फाइनली 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 ओ डूब के मर जा रहे, आप सबकी भाभी मिल गई। और भैया एक गाना, हाँ यहाँ कदम कदम पर लाखों हसीनाएं हैं, कदम कदम पर लाखों हसीनाएं भीगे होंठ तेरे। अभी हम फिलहाल में ऑटो पे हैं, हमारे अंकल जी, हेलो अंकल, कैसे हो आप? क्या झेलने गए आप, पूरा फेल दिए 40 रुपए में। अच्छा, हमें गरीब बना के 40 रुपए लेकर। तो भैया हमारे अंकल जी 40 रुपए लेकर के लूट लिया हमें। हाँ। कोई बात नहीं, लूटने दीजिए, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे अंकल से, हम लूट लेंगे। चलते हैं, आज का प्लान है हम लोगों का जुहू बीच पे जाने का, ठीक है? हमारे अंकल जी पहुंचाएंगे हमें जुहू बीच। पहुंच गए हम जुहू बीच, यहाँ पे हमारे सब्सक्राइबर मिल गए। हेलो भैया, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, थैंक यू। हेलो मैम, कैसे हो आप? अभी कॉलेज से यहाँ पे आ गई, बंक मारा। अच्छा सुनो, एक चीज सुनो। अरे सुन जाओ, छोटी बच्ची हो क्या? तुम पास आए। चलो भैया चलते हैं, आज का प्यास वाला स्टार्ट करते हैं चूतियों सबके साथ। ओके, अरे नाश्ता क्या करेंगे भैया, पैसा नहीं मिलता। चलो तो गाइस एवरीवन, हेलो एवरीवन, आप सबसे एक क्वेश्चन है, पूछ सकता हूँ मैं एक यूट्यूबर, पूछ सकता हूँ आपसे एक क्वेश्चन? क्या भैया? कोई बात नहीं भैया, ओके। तो ओके भैया, क्वेश्चन ये सोचा, इसको इन सबको जवाब ही नहीं आता है तो क्या जवाब क्या देंगे? तो गाइस कैमरा तो मेरे पास भी है लेकिन फोटो क्लिक करना नहीं आता यार। तो गाइस यहाँ पे बहुत ही अचानक से क्या बोल रहे, पानी बहुत आ रहा है। ऐसा अभी फिलहाल में देखिए, वहाँ पे दो दो रसियन है, ठीक है? वहाँ पे दिख रहा है दो दो रसियन, यहाँ पे हमारे लियोंडो को देखो, देखो देखो जैसे कैसे झांक कैसे रहा, देखो इन सबकी आंखें देखना, ठीक है? क्या है बे लड़की, देख के साले पार्टी बदल ली तूने? तो और क्या, तू है कौन? तू है कौन? ठीक है भाई, चल ये दिखा दी दोस्ती, दिखा दी गाइस, देखिए ये होता है दोस्त, गद्दारी कर, गद्दारी कर सारे। चुप, कुत्ते, आयो रे मां, बाल बाल बाल। हेलो निखिल भैया, आपका वीडियो बन गया क्या? नहीं, आज लड़की नहीं मिल रही है। अरे निखिल भैया उठ जाओ यार, भैया यार। तो गाइस अभी हम हैं जुहू बीच पे, ठीक है? कन बजियो दिल के हाल हम के करे। तो गाइस दिल तो मेरे पास भी है लेकिन कोई खरीद लिया, अब कौन खरीदा हमें पता नहीं। लगा के रखना, टोली सजा के रखना। तो भैया यहाँ पे मेरा दिल बनाया जा रहा है, चलो भाई चलते हैं। तो गाइस एक गाना होना चाहिए, ठीक है? हाँ यहाँ कदम कदम। तो फाइनली गाइस हमें मिल गया मुंबई का सबसे बड़ा खलीफा, मूर्ज खलीफा। चलो भैया आप लोग देख लिए मुंबई का सबसे बड़ा खलीफा मूर्ज खलीफा, आगे मत सोचिएगा, ठीक है? तो गाइस यहाँ पे हमें कुछ दिख रहा है यार, एलईडी टीवी दिख रहा है भाई, घर में तो टीवी है नहीं, वहाँ पे टीवी लगा हुआ है, देखो। तो गाइस हम किसी से क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, ठीक है? एक्सक्यूज मी, आप सबसे एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्या? नहीं पूछना है, सीधा मना भाई दो, क्या है आजकल कन्फ्यूज है। तो गाइस अभी एक कैमरामैन मिले हैं, ठीक है? इनसे एक पूछते हैं, एक चीज पूछना है। तो बताइए आप अंकल जी, भैया बोले। अच्छा चलिए ठीक है अंकल जी, भैया बोले, चलिए ठीक है दादाजी। अरे भैया रुक जाओ यार, आपसे एक ही सवाल है, आप सबका फोटो क्लिक करते, लड़का लड़की सबका, तो हमें पता है कि आप लड़का का फोटो जूम करके नहीं क्लिक करते, लड़की का फोटो जूम करके क्लिक करते, क्या गुड गुड। ब्रेकिंग न्यूज, समुद्र में चल रहा है टीवी। तो गाइज मैं भी चाहता हूँ कि जुहू बीच घूमने का, लेकिन मेरे पास
बोले तो गर्लफ्रेंड नहीं है। तो गाइस अभी फिलहाल में फिर से हमारे ससुर जी मिल गए, ठीक है। अरे बाप रे बाप। हाँ तो ससुर जी बताइए एक चीज। अरे बाप। ससुर जी प्लीज काटना मत, ठीक है। आपकी बेटी से मैं बहुत प्यार करता हूँ, ठीक है। नहीं सताता हूँ यार। हेलो ससुर जी। है भैया आया, इसको मत ऐसे। क्या उसको खींचिएगा मत, नहीं ठीक है, ये तो काट लेंगे हमारे ससुर। ससुर जी एक चीज हमें ये बताइए। हेलो ससुर जी, आपकी बेटी इतना बदमाश क्यों है यार? बेटे बाप रे बाप। यहाँ पे एक मैम मिली है। हेलो मैम, इधर घूम जाइए। अरे बाप रे बाप, ऐसे घूम। तो मैम आपसे एक सवाल है। सवाल ये है, 5 किलो आलू 5 किलो रूम में कौन सा भारी है? 5 किलो आलू हाँ? 5 किलो रूम में कौन सा भारी है? 5 किलो आलू 5 किलो रुई आलू 5 किलो होता है, बट रुई क्विंटल होती है। तो अच्छा, किसी दिन बनूंगी मैं राजा की आलू ही भारी होगा ना। अच्छा हाँ। अच्छा हाँ। तो भैया आप लोग देख लिए कि लड़की का दिमाग कैसा होता है, ठीक है। इतना मारेंगे तुमको सही चाल। अच्छा सुनिए, जवाब बताए आपको। हाँ। जवाब क्या है, हम क्या पूछे आपसे? 5 किलो आलू हाँ। 5 किलो हाँ। रुई हाँ। तो हम पूछे क्या भारी कौन सा होता है? 5 किलो 5 किलो बराबर हुआ ना। कहाँ गया आपका दिमाग? अरे रुई आप रुई को आलू से कंपेयर नहीं कर सकते, बिकॉज अब वो रुई क्विंटल होती है, राइट? एम आई राइट? रुई क्विंटल होती है, आलू किलो होता है। उन्होंने क्या कहा? 5 किलो आलू 5 किलो रुई, बट इनका क्वेश्चन ही रॉन्ग है। आलू जो होता है किलो में आप कह सकते हो, बट रुई को आप किलो में नहीं बोल सकते, रुई को क्विंटल होती है। तो भैया देख लिए आप लोग लड़की का दिमाग क्या होता है? 5 किलो आलू 5 किलो रुई में भैया दोनों बराबर होगा ना। अगर अगर रुई को भिंगा देंगे तो भारी हो सकता है क्या भैया? तो गाइस अभी जो आप लोग रिएक्शन देखे पापा की परी का, जो कि बोले तो रिएक्शन है, सबसे पहले उनसे क्वेश्चन किए, तो आप लोग कमेंट में बताइए कि भैया आलू भारी होगा या फिर रुई भारी होगा, ठीक है। चलो भैया देखते हैं आगे क्या होता है, आप लोग हमारे साथ एंजॉय करते रहिए, बन रहिए। तो गाइस चलिए चलते हैं, बस पकड़ते हैं, इसके बाद निकलते हैं। कहाँ निकलना है वो तो हमें पता नहीं। हेलो हेलो, योर नेम? कियारा। आई लव यू कियारा, बाय। औकात के बाहर है लेकिन लड़की क्यूट तो है, ये तो मानना पड़ेगा। तो फिलहाल में हम लोग बैठ चुके हैं चुपचाप, ठीक है भैया। यहाँ पे देखो ये है, क्या है ये? मेन्यू, ठीक है। इसमें लिखा रहता है सब चीज का प्राइस लिखा रहता है, जो भी मतलब दुकान में अवेलेबल होता है वो सब चीज का प्राइस लिखा रहता है। सॉरी भैया, प्लीज गिव मी सम नॉर्मल वाटर। तो भैया इनका इंग्लिश फारसी मत सुनिए, अब मेरा बात पे ध्यान दीजिए, ठीक है। ये बोलो यहीं पे एंड करते हैं, हम ये सब नहीं खा सकते, मिलते हैं नेक्स्ट वीक। लव यू ऑल, बस ऐसे सपोर्ट करते रहेगा। आज का ब्लॉग मुझे पता है कि आप लोग बस एंटरटेनमेंट कर पाए बट रिएक्शन नहीं दिखा पाए, यार हर एक वीडियो में लड़की दिखना जरूरी है क्या? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लव यू ऑल, बाय। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद